मेरा पिछला वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया है, मोबाइल से पैसा अपने मुल्क कैसे भेजे सऊदी फ्रांसी बैंक से। आज का वीडियो खास ये भाई के लिए है, साथ में जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है उनके लिए भी। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो पे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल से लेकर अकाउंट ओपन करके बेनिफिकरी ऐड करके पैसा सेंड करने तक सारा देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे। आ गया हूँ मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे और ऐप गैलरी ओपन कर चुका हूँ। क्योंकि मेरा फोन में गूगल प्ले स्टोर नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐप गैलरी में डाउनलोड करके ओपन करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं सर्च बार में सर्च करूंगा फ्रांसी मोबाइल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसी मोबाइल, जो पहले वाला जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है इधर ओपन का, क्योंकि मेरा मोबाइल पे ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इधर ओपन में क्लिक करूंगा। अब जैसे ही ओपन में क्लिक किया तो ऑलरेडी फ्रांसी मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। जो भाई का फ्रांसी मोबाइल का रजिस्टर नहीं है वो रजिस्टर में क्लिक करके रजिस्टर कर लें, और जिनका है इधर यूजर नेम और इधर पासवर्ड डाल लें। तो हमारा यूजर नेम ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो हम इधर पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हैं। हम इधर अपना पासवर्ड डाल चुके हैं, उसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन में क्लिक किया उसके बाद मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। अब जो आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर किया हुआ है, अब उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। चलिए हम इधर अपना ओटीपी फिल करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करें। जैसे हमने कंटिन्यू में क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया, तो इधर आपको पैसा ट्रांसफ़र अपना मुल्क करने के लिए आपको बीएसएफ सेंड में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको लोकल कहीं ट्रांसफ़र करना है तो इधर ट्रांसफ़र में क्लिक करें, उसके बाद इधर देख सकते हैं बीएसएफ क्लाइंट, मतलब जो बैंक सऊदी फ्रांसी का दूसरा अकाउंट किसी का है, आप उसको पैसा भेजना चाहते हैं तो उधर बीएसएफ क्लाइंट में क्लिक करना है। लोकल बैंक्स मतलब जो सऊदी अरबिया का अंदर है, इधर पे जिसका बैंक सऊदी फ्रांसी का अकाउंट नहीं है, दूसरा बैंक का अकाउंट है, आप उसमें पैसा भेजना चाहते हैं तो लोकल बैंक्स में क्लिक करें। बीएसएफ सेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बीएसएफ सेंड का मतलब है इंटरनेशनल, यहाँ से इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इसके थ्रू होता है बीएसएफ सेंड के, इंटरनेशनल बैंक्स नहीं, बीएसएफ सेंड के थ्रू। तो उसके लिए आपको इधर बेनिफिकरी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इधर बीएसएफ सेंड में क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने बीएसएफ सेंड में क्लिक किया तो ऑलरेडी मेरा पास 3 अकाउंट ऐड किया हुआ है, तो मैं आपको एक दूसरा नया अकाउंट ऐड करके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें बेनिफिकरी ऐड करना है, वो बेनिफिकरी कैसे ऐड करना है हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब हम इधर ऐड बेनिफिकरी में क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड बेनिफिकरी में क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हम आपको जिसके भी बेनिफिकरी में भेजना है तो इधर अपना उसका फुल नेम डालना है। रिलेशन में क्लिक करके देखेंगे, फ्रेंड है, पर्सनल है, आपका हाउस होल्डर, एम्प्लॉय, जो भी रिलेशन में लगते हैं वो डालना है। तो चलिए मैं अपना खुद का एक अकाउंट ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अपना नाम फिल कर लेता हूँ। इधर मैं अपना अकाउंट तो पर्सनल चूज कर लूंगा, उसके बाद मैं कंट्री नेम डालूंगा, मैं इंडिया से हूँ तो इधर इंडिया चूज कर लिया। उसके बाद चूज करेंसी बोल रहे हैं, इंडियन रुपीस इधर दिखाएगा ऑटोमेटिकली। आप जिस कंट्री का हैं उसका कंट्री नेम डालने का बाद आपको ऑटोमेटिकली उस उधर का करेंसी आ जाएगा। चाहे नेपाल का है तो नेपाली रुपीस आएगा, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश टाका आएगा, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रुपीस आएगा, आपको ऑटोमेटिकली सारे आ जाएंगे। अब डिलीवरी ऑप्शन सबसे मेन जो बात है इधर है, डिलीवरी ऑप्शन में क्लिक करना है। डायरेक्ट टू बैंक, आपने किसी का बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं तो डायरेक्ट टू बैंक में क्लिक करेंगे। अगर कोई कैश पिकअप करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, इंडिया में तो ऑलमोस्ट सबके पास बैंक अकाउंट रहता है, तो कैश पिकअप जाके जो पैसा अपना आईडी कार्ड दिखा के पैसा रेफरेंस नंबर दिखा के जो पैसा लेते हैं तो उधर आपको कैश पिकअप में क्लिक करना है। तो मेरा ये पर्सनल बैंक अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट टू बैंक में क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। अब जैसे कंटिन्यू में क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया,
इधर अपना बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, इधर अकाउंट नंबर डालना है, इधर आईएफएससी कोड डालना है, उसके बाद प्रोपोज ऑफ रिमिटेंस मतलब आपका उसका क्या प्रोपोज मतलब किस किसके लिए आप ये पैसे भेज रहे हो उसके लिए वो डालना है आपको। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो मेरा बैंक है तो मैं अपना इंडियन बैंक का अकाउंट ऐड करने के लिए चाहूँगा, तो इधर हम अपना इंडियन बैंक का बैंक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। इधर हम अपना उसका आईएफएससी कोड डाल देंगे। इधर हम प्रोपोज क्लिक कर लेंगे। प्रोपोज में हमारा है प्रोपोज ऑफ रिमिटेंस मतलब हम किस लिए मतलब ये पैसा हम मतलब भेजे करेंगे, तो फैमिली मेंटेनेंस के लिए है। बेनिफिशियरी का डेट ऑफ बर्थ मतलब ये भी है आपका जो जिसके नाम पर पैसा भेज रहे हो उस जिसका अकाउंट है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी डालना है। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। अब देख सकते हैं मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल चुका हूं। उसके बाद हमें कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो इधर में सारा अपना डिटेल्स जो फिल किए थे वो दोबारा आपको दिख जाएगा। अगर कुछ आपको गलत नज़र आ रहा है तो इधर बैक वाला बटन में क्लिक करके बैक करके दोबारा से आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपका कुछ सही है तो फिर आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म में क्लिक करना है। तो जैसे हम कन्फर्म में क्लिक किए तो फिर देखिए इधर शो कर रहा है यू विल रिसीव ए ऑटोमेटिक कॉल बैक टू एक्टिवेट द बेनिफिशियरी मतलब मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो बैंक सऊदी फ्रांसी में मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे कॉल आएगा बैंक की तरफ से और उधर आपको पूछेगा इधर इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं और ऐसा है बैंक का अकाउंट नंबर लास्ट 4 डिजिट नंबर ऐसा बताएगा आपको। उसके बाद बोलेगा आप अगर बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो प्रेस 1 क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रेस 1 क्लिक करेंगे तो फिर आपका बेनिफिशियरी सक्सेसफुल हो जाएगा बोल के बोल देगा उधर पे आपको। उसके बाद आपको क्या करना है मेन स्क्रीन में आ जाना है। जैसे आप मेन स्क्रीन में आ जाएंगे तो आपका बेनिफिशियरी ऐड हुआ कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको बीएसएफ सेंड में जाना है। जैसे आप बीएसएफ सेंड में जाएंगे तो आप इधर देख सकते हैं सहन अली शाह इंडिया बेनिफिशियरी में इधर दिखा है एक्टिव, ये जो है आपको दिखा रहा है एक्टिव स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है मतलब आपका बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। आप इधर से आप पैसा भेज सकते हैं। तो पैसा भेजने के लिए क्या करना है ट्रांसफर टू दिस बेनिफिशियरी में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अगर इंडियन रुपीस भेजना है तो इधर क्लिक कर सकते हैं, अगर सऊदी रियाल भेजना है तो इधर आप क्लिक करके सऊदी का अमाउंट डाल सकते हैं। तो मैं पैसा मुझे भेजना नहीं है फिर भी आपको सऊदी का जो अमाउंट है वो डाल के मैं कैसे भेजना पड़ता है वो दिखा देता हूँ। इधर जैसे अमाउंट डालेंगे तो इधर एक्सचेंज रेट आपको मिल जाएगा, फीस 15 रियाल है, उसके बाद टैक्स मतलब वैट के साथ आएगा टोटल 17 रियाल 25 हलाला 2.25 हलाला जो है वो वैट है। तो चलिए हम आप देख लेते हैं अब अपना एक्सचेंज रेट कितना आता है। 1000 रियाल डाल देते हैं हम तो अपने जो एक्सचेंज रेट है 21.60 मिल रहा है, लेकिन अभी फ्रेंडी पे हमें एक्सचेंज रेट मिल रहा है 21.80। ओके तो वो इधर से जा और वो फ्रेंडी पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है जो आपको पैसे नहीं लगते हैं चार्जेस। ओके तो फिर यहाँ पे आपको 20 पैसे कम मिलता है, तो आप लोग अगर भेजना चाहते हैं यहाँ से तो भेज सकते हैं। तो मैं आपको भेजने का जो तरीका है वो दिखा रहा हूँ। तो फिर हम इधर लोड चार्जेस एंड फी ऑन माई अकाउंट मतलब जो मेरा अकाउंट से पैसा 17 रियाल 25 हलाला जो चार्जेस टोटल बनता है वो काट लेंगे। तो हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो मुझे इधर ऐसा कुछ आएगा इंटरफेस जैसे कि हम कौन सा किस लिए हम पैसा भेज रहे हैं। हम फैमिली सपोर्ट एंड लिविंग एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, नहीं तो और भी आपका जो भी है इधर डाल सकते हैं जितना भी है चूज करके अपना। तो हम फैमिली एंड सपोर्ट लिविंग एक्सपेंसेस में छोड़ देते हैं। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो फिर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इधर डालना है आपको। उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी पैसा भेजना नहीं है तो इसलिए मैं पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ। ओके जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
आप लोगों की एक शेयर से शायद किसी को ये वीडियो से एक मदद हो जाएगा जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद।